शेर खान जंगल में से गुजर रहा था। यहाँ कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, कोई पगडंडी भी नहीं थी कि जिससे अंदाजा होता कि इधर से लोग आते जाते हैं। कुछ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, ऊपर दरख्त झुके हुए खामोश खड़े थे। आखिर शेर खान उस तरफ चलने लगा जिस तरफ उसका रुख था। थोड़ी दूर गया होगा कि उसे एक कच्ची कोठरी नजर आई जिस पर जंगली बेरी के एक घने दरख्त ने साया कर रखा था। दरख्त की शाखें जर्द और सब्ज बेरों से लदी हुई थी। शेर खान कोठरी के करीब से होकर गुजरा तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। आवाज कोठरी के अंदर से आ रही थी। आवाज औरत के सिसकियां भरने की थी। शेर खान दीवार के साथ लगकर सुनने की कोशिश करने लगा कि ये औरत कौन है और रो क्यों रही है। एक मर्द की आवाज आई। आवाज ने डांट कर कहा, रोना बंद करो, इसे कुछ नहीं होगा। औरत ने रोते हुए कहा, मेरी इज्जत बर्बाद न करो, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ। एक दूसरे मर्द की आवाज आई, तुम्हारी इज्जत बर्बाद करने के लिए तो हम तुम्हें यहाँ उठा कर लाए हैं। उसके साथ ये दोनों मर्द कहकहा लगाकर हंसे। औरत ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश करोगे तो तुम पर खुदा का अजाब होगा। एक मर्द ने औरत को गाली देकर कहा, मुसलमानों के तो हम जानी दुश्मन हैं, हम एक एक करके भारत में तुम सब मुसलमानों को खत्म कर देंगे। शेर खान समझ गया कि ये वो राष्ट्रीय सेवक संघ जैसी किसी कट्टर हिंदू जमात के आदमी हैं और मुसलमान औरत की जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। उसने फैसला कर लिया कि वो मुसलमान औरत को इन काफिरों से हर हालत में बचाएगा। इतने में एक हिंदू ने दूसरे हिंदू से कहा, बिहारी जाकर ढारे में रखी हुई शराब की बोतल ले आ। कोठरी का दरवाजा दूसरी जानिब था। दरवाजा खुलने की आवाज आई तो शेर खान जल्दी से पीछे हटकर एक दरख्त की ओट में हो गया। जहाँ से उसे कोठरी का दरवाजा नजर आया, उसने देखा कि एक मोटी तोंद वाला धोती पोश हिंदू कोठरी में से निकला, उस तरफ चल पड़ा जिधर कीकर के दरख्तों का एक जखीरा था। शेर खान ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। ये आदमी जिसका नाम बिहारी था, कीकर के दरख्तों में जाकर एक जगह बैठ गया और झाड़ियों को इधर उधर हटाना शुरू कर दिया। शेर खान को मालूम था कि ये आदमी जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस आएगा। चुनाचे शेर खान एक दरख्त के पीछे हाथ लगाकर खड़ा हो गया। उस आदमी बिहारी ने झाड़ियों में से एक बोतल निकाली और वापस कोठरी की तरफ चलने लगा। शेर खान जैसे कमांडो के लिए ये एक बड़ा ही आसान शिकार था। सिर्फ इतनी एहतियात की जरूरत थी कि उस आदमी के गले से आवाज ना निकलने पाए। इस काम का शेर खान माहिर था। बिहारी बोतल उठाए बड़े मजे से गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। जैसे ही वो उस दरख्त के करीब से गुजरने लगा जहाँ शेर खान घात लगाए हुए था, तो अचानक किसी के बाजू के आहनी शिकंजे ने उसकी गर्दन को अपनी लपेट में जोर से लेकर एक झटका दिया। उसके बाद क्या हुआ बिहारी को उसकी कोई खबर न थी। गर्दन का मनका टूट जाने से वो मुसलमानों का असली दुश्मन बेजान होकर जमीन पर पड़ा था। शेर खान ने शराब की बोतल उठाई, लाश को वहीं पड़ा रहने दिया और कोठरी की दीवार की ओट में आकर खड़ा हो गया। अंदर से औरत के रोने और इल्तिजाएं करने की आवाजें आ रही थी। अंदर सिर्फ एक ही काफिर रह गया था। शेर खान उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। खुद वो कोठरी के अंदर इसलिए नहीं जाना चाहता था कि कोई पता नहीं कि वो आदमी मुसल्ला है, उसके पास असलहा भी हो और वो मुसलमान औरत को ही घबरा कर मार डाले। शेर खान जानता था कि बिहारी को जब देर हो जाएगी तो ये दूसरा भी उसकी तलाश में कोठरी से बाहर आएगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर बाद कोठरी का दरवाजा खुला और एक आदमी जिसने धोती और मैली सी बनियान पहनी हुई थी, तोंद निकली हुई थी, उसके पास कोई असलहा नहीं था, उसने बिहारी को आवाज दी, देर क्यों लगा रहे हो बिहारी, बोतल लेकर आते क्यों नहीं। शेर खान बोतल हाथ में लिए दीवार की ओट से निकल कर उसके सामने आ गया और बोला, बिहारी ने शराब की ये बोतल भेजी है। उधेड़ उम्र का हिंदू फटी फटी आंखों से शेर खान की तरफ देखने लगा। तत तो तुम कौन हो, उसने हैरान होकर पूछा। शेर खान दो कदम चलकर उसके करीब आ गया और बोला, मैं इस मुसलमान औरत का भाई हूँ जिसको तुम उठा कर लाए हो। उधेड़ उम्र हिंदू ने घबरा कर बिहारी को आवाज दी। शेर खान ने कहा, बिहारी तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता, वो मर चुका है और अब तुम्हारी बारी है। उस आदमी ने पलक झपकने में धोती के डब में से चाकू निकाल कर उसका बटन दबाया और चाकू खुल गया। ये कमांडो चाकू था। उसने कहा, तुम्हारी मौत तुम्हें अपनी बहन के पास ले आई है। आदमी अनाड़ी था। किसी खास जाविये से शेर खान पर वार करने के बजाय उसने बिल्कुल सामने से शेर खान पर वार कर दिया। इस अनाड़ियों वाले वार को बचाना शेर खान के लिए मामूली बात थी। दूसरे ही लम्हे उस आदमी की चाकू वाली कलाई शेर खान के पंजे की गिरफ्त में थी। शेर खान ने एक जोरदार झटका दिया, चाकू उस आदमी के हाथ से उछल कर दूर जा गिरा। बाहर से आती आवाजें सुनकर कोठरी में जो औरत थी वो दरवाजे में आकर खड़ी हो गई और सहमी हुई नजरों से देखने लगी। शेर खान इस काफिर को आसानी से हलाक कर सकता था, मगर उसके दिल में रहम आ गया। उसने सिर्फ इतना ही किया कि उसके सर पर पीछे से एक खास जगह पर जोरदार हाथ मारा, वो शख्स बेहोश होकर गिर पड़ा। शेर खान ने चाकू उठाया, उसे बंद करके जेब में रखा और औरत के पास जाकर कहा, घबराओ नहीं बहन, मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपना भाई ही समझो। तुम कहाँ रहती हो, मैं खुद इस शहर में अजनबी हूँ, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। औरत की उम्र 30 बरस से ऊपर लगती थी, रंग सांवला था, उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। वो शेर खान को अपना नजात दहिंदा जानकर उसकी तरफ एहसान मंद निगाहों से देख रही थी। कहने लगी, भाई तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो, तुम ना आते तो जाने मेरे साथ क्या कुछ होता। शेर खान ने कहा, बीबी मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ जहाँ तुम अपने बहन भाइयों के पास पहुँच सको। औरत ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। औरत ने चादर ओढ़ी और शेर खान के साथ जंगल में एक तरफ चल पड़ी। शेर खान खामोशी से उसके साथ जा रहा था। उसने मजीद इस औरत से कुछ पूछने की जरूरत महसूस न की। हकीकत में उसे अपनी पड़ी हुई थी और खुद वो वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन
लेकिन इस औरत को उसके घर पहुंचाना जरूरी था। गुस्से की हालत में वो एक काफिर का खून भी कर चुका था, लेकिन अगर वो बिहारी को हलाक न करता तो इस औरत को बचा कर ले जाना मुश्किल था। औरत भी खामोशी से शेरखान के जरा आगे आगे चल रही थी। एक दो फरलांग चलने के बाद जंगल खत्म हो गया और खेत आ गए। खेतों की दूसरी तरफ कुछ मकान नजर आ रहे थे। औरत ने उन मकानों की तरफ इशारा करके कहा, वो हमारा मकान है। खेतों के पार खाली जगह पर चंद एक मंजिला क्वार्टर बने हुए थे। शेरखान चारों तरफ माहौल का जायजा लेता उस औरत के साथ जा रहा था। उसे अपना खतरा था कि कहीं इस तरफ भी पुलिस उसकी तलाश में मौजूद ना हो, मगर इन मकानों के आसपास कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। औरत एक मकान के पास आकर तेज तेज चलने लगी, फिर दौड़कर मकान के बंद दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। नाजी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ हशमत। शेर खान एक तरफ होकर खड़ा था और इधर उधर देख रहा था। मकान का दरवाजा एकदम से खुला और एक उधेड़ उम्र की औरत जो नौकरानी लगती थी नमदार हुई। दोनों बेख्तियार होकर एक दूसरे के गले लग गई और दोनों रोने लगी। शेर खान ने आगे बढ़कर उस औरत से कहा, बीबी तुम अपने घर पहुंच गई हो, मैं अब जाता हूं। औरत ने जिसने अपना नाम हशमत बताया था शेर खान को हाथ जोड़कर कहा, भाईजान मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगी, अंदर आ जाएं। और वो औरत नौकरानी के साथ जल्दी से मकान के अंदर दाखिल हो गई। शेर खान भी तकल्लुफ में आकर मकान के अंदर चला गया। सामने छोटा सा मकान था जिसमें एक तख्त पोश बिछा हुआ था। हशमत ने चादर तख्त पोश पर डालते हुए नौकरानी से पूछा, मेरा भाई रज्जब कहाँ है? नौकरानी ने कहा, वो और अहमद अली सुबह से तुम्हारी तलाश में निकले हुए हैं। औरत हशमत ने शेर खान से कहा, अब तुम भी मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें अपने भाइयों से मिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। शेर खान समझ गया कि ये औरत अपने भाइयों को इस बात का सबूत मुहैया करना चाहती है कि उसे जो हिंदू बदमाश अगवा करके ले गए थे वो शेर खान की मदद से अपनी इज्जत बचाकर उनके चुंगल से निकलने में कामयाब हो गई है। मगर वो ज्यादा देर वहां रुकना भी नहीं चाहता था। उसने कहा, तुम्हारे भाई पता नहीं कब वापस आएंगे और मुझे जल्दी है। औरत हशमत ने कहा, वो लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप अंदर चलकर बैठे। फिर उसने नौकरानी से कहा, नाजी मेरे भाई के लिए चाय बनाओ जल्दी। शेर खान वहां बैठना नहीं चाहता था, लेकिन उसे खुद मालूम नहीं था कि वहां से निकलकर उसे कहां जाना है। वो ये सोचकर अंदर कमरे में आ गया कि इस औरत के भाई मुसलमान हैं और वो शेर खान के एहसानमंद भी होंगे, शायद उनके जरिए जम्मू कश्मीर पहुंचने का कोई सबब बन जाए। ये दरमियाने दर्जे की फैमिली थी। कमरे में फर्श पर दरी बिछी हुई थी, तीन चार कुर्सियां और एक मेज रखी थी। दीवार के साथ एक चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था। औरत हशमत भी अंदर आ गई। शेर खान कुर्सी पर बैठ गया, हशमत सामने चारपाई पर बैठ गई। शेर खान ने पूछा, ये काफिर तुम्हें उठाकर क्यों ले गए थे? क्या इनके साथ तुम्हारे भाइयों की दुश्मनी है? हशमत कहने लगी, भाईजान क्या कहूँ, राष्ट्रीय सेवक संघ के हिंदुओं ने यहाँ के मुसलमानों को एक एक करके खत्म करने का फैसला कर लिया है। मेरे दोनों भाइयों रज्जब अली और अहमद अली का छोटा सा कारोबार था, हिंदुओं ने उनकी दुकानों को आग लगा दी और कई एक बार उन पर कातिलाना हमला भी किया। कुछ मुसलमान तो यहाँ से दिल्ली मीरठ की तरफ हिजरत कर गए, मगर मेरे भाइयों ने सेवक संघ के गुंडों का डटकर मुकाबला करने की ठान ली, मगर हुकूमत हिंदुओं की है। दोनों भाई फिर भी डटे रहे। आज सुबह सुबह मैं बिस्तर से उठकर चाय बनाने किचन में गई तो दो हिंदू गुंडों ने अचानक मुझे दबोच दिया और मेरी नाक पर गीला रुमाल रख लिया। मैंने दो चार सांसें ली और फिर मुझे होश न रहा। उसके आगे के वाकयात आपको मालूम ही है। इतने में हशमत बीबी के दोनों भाई रज्जब अली और अहमद अली आ गए। दोनों नौजवान थे। अहमद अली बड़ा था और मजबूत जिस्म वाला था। बहन को देखकर उन्होंने उसे गले लगा लिया और फिर शेर खान की तरफ घूर कर देखा और फिर बहन से पूछा, तुम्हारे साथ बुरा सलूक तो नहीं हुआ? हशमत ने शेर खान की तरफ इशारा करके कहा, अगर मेरा ये भाई ऐन वक्त पर आकर मेरी मदद न करता तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाती। अहमद अली ने शेर खान को घूर कर देखा और पूछा, ये कौन है? शेर खान ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम शकील है, मुझे लुधियाने जाना था, ट्रेन न पकड़ सका, लारी भी उस वक्त कोई नहीं जाती, सोचा दूसरी सड़क पर से कोई गुजरती हुई लारी या बस पकड़ लूंगा। जंगल में से गुजर रहा था कि तुम्हारी बहन की सिसकियों की आवाज आई। उसके बाद शेर खान ने सारी दास्तान बयान कर दी, लेकिन उसने ये न बताया कि उसने दूसरे हिंदू गुंडे बिहारी को कत्ल कर दिया है। उसके बारे में यही बताया कि वो भाग गया था। अहमद अली बोला, शकील भाई तुमने हम पर और हमारे खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है, शायद इसका बदला हम सारी जिंदगी न उतार सकें। शेर खान ने कहा, मैंने अपनी एक मुसलमान बहन की इज्जत बचाई है, ये मेरा दीनी फर्ज भी था। हशमत के दोनों भाई रज्जब अली और अहमद अली कुर्सियों पर बैठ गए। रज्जब कहने लगा, हमने सेवक संघ वालों का एक एक अड्डा छान मारा था, मगर जब तुम हमें कहीं ना नजर आई तो हमने फैसला कर लिया कि सर हथेली पर रखकर हम सेवक संघ के गुंडों के हेडक्वार्टर को बमों से उड़ा देंगे और खुद भी उड़ जाएंगे और उनको भी उड़ा देंगे। अहमद अली बोला, हम दस्ती बम लेने घर आए थे कि तुम नजर आ गई, खुदा का शुक्र है कि हमारी बहन खैरियत से घर वापस आ गई। इतने में मुलाजिमा ने चाय लाकर रख दी। हशमत ने उसे कहा, नाजी बिस्किट भी ले आओ। अहमद अली ने सदरी की जेब में से पैसे निकाल कर कहा, बाजार से कुछ बर्फी और गुलाब जामुन भी ले आओ। शेर खान ने कहा, नहीं नहीं अहमद भाई, मुझे डॉक्टर ने मिठाई खाने से मना किया है, मैं एक दो बिस्किट खा लूंगा। शकील भाई आप लुधियाने में क्या करते हैं, कहीं मुलाजिम है या अपना कारोबार है? शेर खान ने कहा, प्लास्टिक की छोटी सी दुकान है, माल लेने के सिलसिले में अक्सर दिल्ली मीरठ अंबाले का चक्कर लगाना पड़ता है। नौकरानी ने प्लेट में बिस्किट लाकर रख दिए। इतने में एक 15-16 साल का लड़का दौड़ता हुआ अंदर आया। उसका सांस फूल
बोल रहा था। आते ही बोला, मामू मंगलदास का भाई बिहारी कत्ल हो गया है, उसकी लाश जंगल में पड़ी है, उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट करवा दी है। अहमद अली और रज्जब अली उसी वक्त उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी बहन हशमत से कहा, आपा तुम बुर्का पहनकर फौरन यहाँ से सीधी स्टेशन पर जाओ और दिल्ली जाने वाली किसी गाड़ी में सवार होकर दिल्ली खाला के यहाँ जाओ। फिर उसने लड़के को जो पैगाम लेकर आया था कहा, बॉबी तुम आप ही के साथ स्टेशन पर जाओ। लगता था कि उन लोगों को इसी किस्म के हंगामी हालात की आदत हो चुकी है। हशमत बीबी ने उसी वक्त दूसरे कमरे में जाकर सफेद पुराना बुर्का पहना और लड़के के साथ तेजी से बाहर निकल गई। शेर खान ने सोचा कि उसे भी वहां से निकल जाना चाहिए। फिर ख्याल आया कि पुलिस उस मकान की तरफ आ रही होगी, हो सकता है कि दूसरा गुंडा जिसको शेर खान ने सर पर मुक्का मारकर बेहोश किया था पुलिस के साथ ही हो, वो शेर खान को पहचान लेगा। अहमद अली ने शेर खान से कहा, शकील भाई तुम भी हमारे साथ चलो। शेर खान ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं आपके साथ नहीं जाता, मैं लारी अड्डे की तरफ जाता हूँ। अहमद अली समझदार था, वो समझ गया कि जिस हिंदू गुंडे के बारे में शेर खान ने कहा था कि वो भाग गया था, असल में उसे शेर खान ने कत्ल कर दिया था और वो बिहारी ही था। अहमद अली ने कहा, शकील भाई अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि बिहारी गुंडा तुम्हारे हाथों कत्ल हुआ है, जो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में है, बेहतर यही है कि अभी तुम हमारे साथ एक महफूज जगह पर चलो, मौका पाकर हम तुम्हें लुधियाने पहुंचा देंगे। शेर खान उलझन में फंस गया था। रज्जब अली ने शेर खान से कहा, आ जाओ शकील भाई, पुलिस आ गई तो हम सब मारे जाएंगे। और वो शेर खान को साथ लेकर मकान के पिछले कमरे की खिड़की से कूद कर खेतों में दौड़ पड़े। शेर खान भी उनके साथ ही दौड़ पड़ा। दूसरे हिंदू गुंडे से छीना हुआ कमांडो चाकू शेर खान की जेब में था। दौड़ते दौड़ते वो मिट्टी के एक बहुत बड़े टीले के पास पहुंच गए, वहां से एक कच्चे रास्ते पर आ गए। यहां वो तेज तेज चलने लगे, आगे एक पक्की मगर छोटी सड़क आ गई, वो यहां सांस लेने के लिए रुक गए। रज्जब अली बोला, अहमद भाई यहां से हमें कोई सवारी मिल सकती है? अहमद अली बोला, हम रुक नहीं सकते, चलते चलो। रास्ते में कोई रिक्शा टैक्सी मिल गया तो ठीक है। पक्की सड़क की दोनों जानिब खेतों में ऊंची फसल खड़ी थी। खेत खत्म हो गए तो बाएं जानिब एक उजाड़ सा मैदान और दाएं जानिब रेल की पटड़ी आ गई। रेल की पटड़ी को क्रॉस करके वो दूसरी जानिब उतर गए। कुछ दूर चलने के बाद एक खुश्क बरसाती नाला आ गया जिसके ऊपर पुल बना हुआ था। पुल पर से होकर ये लोग दूसरी तरफ आ गए। कुछ दूर किसी कॉलोनी के मकानात नजर आ रहे थे। खेतों में एक जगह अहमद अली ने कहा, यहाँ बैठ जाओ। फिर उसने अपने छोटे भाई रज्जब से कहा, राजू फौरन मिर्जा साहब के घर जाओ और उन्हें हमारे बारे में बयान करो कि हमें उनके तहफ्फुज़ की जरूरत है। रज्जब अली अभी जाता हूँ कहकर आबादी के मकानों की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद वो वापस आया तो उसने चादर से अपना जिस्म ढांप रखा था और बगल में एक गठरी सी थी। आते ही वो शेर खान और अहमद अली के पास बैठ गया और कहने लगा, मिर्जा साहब घर पर ही हैं, आ जाओ भैया मगर ये चादरें जिस्म पर लपेट लो। उन्होंने चादरें अच्छी तरह से अपने जिस्मों के गिर्द लपेट ली और आबादी के मकानों की तरफ चलने लगा। मिर्जा साहब का मकान आबादी के दूसरे किनारे पर खेतों के पास था। दो मंजिला पुराने टाइप का मकान था। बाहर एक बकरी बंधी हुई थी। सहन में मुर्ख के बोलने की आवाज आ रही थी। अहमद अली ने शेर खान से कहा, मिर्जा साहब हमारी जमात के आदमी हैं, मगर ये राज सिवाय हमारे और किसी को मालूम नहीं। ऊपर से उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ वालों के साथ भी ताल्लुकात बनाकर रखे हुए हैं, यहाँ हमें सही सूरत हाल मालूम हो जाएगी। मकान के एक नीम रोशन छोटे से कमरे में उथेड़ उम्र का एक सांवला सा आदमी चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। अहमद अली रज्जब अली और शेर खान अंदर दाखिल हो गए। उस आदमी ने शेर खान की तरफ गौर से देखा, ये साहब कौन है अहमद अली? अहमद अली बोला, मिर्जा साहब अभी बताता हूँ। वो तीनों चारपाई के सामने रखे हुए मूठों पर बैठ गए। उसके बाद अहमद अली ने मिर्जा साहब को शेर खान के बारे में बताया कि इनका नाम शकील मियां है और इन्होंने ही हमारी बहन को मंगलदास और बिहारी गुंडों के चुंगल से निकाल कर घर पहुंचाया था। मिर्जा साहब ने कहा, और बिहारी को किसने कत्ल किया था? अहमद अली ने कहा, इस बारे में शकील भाई ही कुछ रोशनी डाल सकते हैं। इनका कहना है कि बिहारी जंगल में भाग गया था। मिर्जा साहब ने शेर खान की तरफ देखा और कहा, शकील बेटा जो हकीकत है बयान कर दो, जहां हम सब अपने ही खानदान के आदमी हैं। शेर खान समझ गया था कि इन लोगों को पता चल गया है कि उसने ही बिहारी का खून किया है। उनसे ये बात छुपाने की जरूरत नहीं थी। चुनाचे उसने कहा, हकीकत यही है मिर्जा साहब कि मैंने ही इस हिंदू गुंडे बिहारी को कत्ल किया है। अगर मैं उसे कत्ल न करता तो मेरे लिए हशमत बीबी की इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती। मिर्जा साहब ने हुक्के का लंबा कश लेकर कहा, तुम बहादुर और दलेर आदमी हो, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। फिर उन्होंने अहमद अली की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, हशमत बेटी कहाँ है इस वक्त? अहमद अली ने कहा, उसे मैंने बॉबी के साथ स्टेशन पर भेज दिया है, वो किसी न किसी गाड़ी में बैठकर दिल्ली रवाना हो जाएगी। मिर्जा साहब बोले, ठीक किया। रज्जब अली कहने लगा, मंगलदास गुंडे ने हमारे खिलाफ बिहारी के कत्ल के इल्जाम में पर्चा दर्ज करवाया है। मिर्जा साहब बोले, पर्चा दर्ज करवाने से क्या होता है? उनके पास क्या सबूत है कि बिहारी को तुम में से किसी ने कत्ल किया है? अहमद अली ने कहा, मगर मिर्जा साहब ये इन हिंदू गुंडों की हुकूमत है, राष्ट्रीय सेवक संघ हुकूमत पर छाई हुई है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मिर्जा साहब ने कष्ट लेकर कहा, ठीक है तुम लोग रूपोश हो जाओ, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। रज्जब अली ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि हमें मंगलदास का भी काम तमाम कर देना चाहिए, ये शख्स मुसलमानों का जानी दुश्मन और अंबाले में RSS के गुंडों का लीडर है। मिर्जा साहब बोले, नहीं नहीं बरखुरदार, इस तरह हालात और खराब हो जाएंगे, हमें अक्ल से काम लेकर कोई कदम उठाना होगा।
शेर खान खामोश बैठा उन लोगों की बातें सुन रहा था। जब मिर्जा साहब अपनी बात खत्म कर चुके तो उसने मिर्जा साहब से कहा, मेरा लुधियाने वापस जाना बहुत जरूरी है, वहाँ मेरा सारा कारोबार है, मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अहमद अली ने मिर्जा साहब से कहा, शकील भाई ठीक कह रहा है, इसने हमारे साथ नेकी की है, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ये भी किसी मुसीबत में फंस जाए। मिर्जा साहब ने कहा, तुम ठीक कहते हो। उसके बाद उन्होंने शेर खान की तरफ देखा और बोले, अजीज मन आज का दिन जहाँ गुजारो, रात को तुम्हें लुधियाने पहुँचाने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन तुम्हें अपना हुलिया बदल कर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि दूसरे गुंडे ने जिसका नाम मंगलदास है तुम्हें देखा हुआ है और वो जानता है कि तुमने ही बिहारी को कत्ल किया था। शेर खान के लिए बज़ाहिर ये कोई इतना संगीन मसला नहीं था, लेकिन ये वारदात उसके हक में खतरनाक साबित हो सकती थी। चुनांचे उसने मिर्जा साहब की तजवीज़ को कबूल करते हुए कहा, आप जिस तरह कहते हैं मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अंबाले से मैं किसी लारी या ट्रेन में सवार न हूं, क्योंकि यहां इन जगहों पर पुलिस जरूर मौजूद होगी। मिर्जा साहब बोले, ये भी मैं जानता हूं। तुम फिक्र न करो, तुम्हें बड़ी हिफाजत के साथ अंबाले से निकाल दिया जाएगा। दिन का बाकी हिस्सा शेर खान ने उसी मकान में गुजारा। जब रात हो गई तो मिर्जा साहब ने शेर खान से कहा, शकील मियां हमारे आदमियों ने हमें जो खबर दी है उसके मुताबिक इस कॉलोनी के बाहर भी पुलिस और CID मौजूद है। अहमद अली भी वहां मौजूद था। वो कहने लगा, मेरा ख्याल है शकील को साधु बनकर यहां से निकलना चाहिए, दूसरा कोई भी हुलिया मुनासिब नहीं रहेगा। मिर्जा साहब ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। शेर खान बोला, लेकिन साधुओं वाला लिबास और विग वगैरह कहां से आएगी? अहमद अली ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, सब इंतजाम हो जाएगा। मिर्जा साहब ने उसी वक्त एक खास आदमी को दौड़ा दिया। वो एक घंटे के बाद एक गठरी बगल में दबाए वापस आया। इस गठरी में साधुओं वाला जर्द लंबा चोला, त्रिशूल और सर पर लगाने के लिए लंबे बालों की विग और माथे पर लगाने वाला तिलक की डिब्बी थी। आधी रात शुरू होते ही शेर खान ने अपना भेष तब्दील कर लिया, जर्द रंग का लंबा चोला पहन लिया, सर पर विग लगा ली, माथे पर तिलक लगा लिया, गले में मनकों की माला डाल ली और पूरा साधु बन गया। मिर्जा साहब और अहमद अली उसे देख रहे थे। अहमद अली ने कहा, मुझे यकीन है कि इस हुलिये में तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। मिर्जा साहब बोले, शकील मियां तुम्हारी पतलून कमीज और बूट वगैरह एक अलग गठरी में तुम्हारे साथ जो आदमी जाएगा उसके पास मौजूद होंगे। महफूज मकाम पर पहुंचने के बाद तुम साधुओं वाले कपड़े उतार कर अपने कपड़े पहन लोगे। इतने में वहां एक और आदमी आ गया, दुबला पतला सा था, उसने खद्दर का कुर्ता पाजामा पहना हुआ था और सर पर पुरानी गांधी कैप थी। मिर्जा साहब ने शेर खान से कहा, ये आदमी तुम्हारे साथ जाएगा। फिर उन्होंने आने वाले आदमी से पूछा, शाहजी बाहर की क्या सूरत हाल है? वो खद्दर पोश आदमी बोला, मिर्जा जी सूरत हाल ये है कि लुधियाना जालंधर की तरफ GT रोड पर पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही है, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस के अलावा CID के आदमी फैले हुए हैं। अहमद अली भी कमरे में आ गया, उसने नौवारिद से पूछा, शाहजी तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? उस आदमी ने कहा, मेरी राय में शकील भाई को इन हालात में लुधियाने का रुख नहीं करना चाहिए। मिर्जा साहब ने पूछा, फिर क्या करना चाहिए? शाहजी बोले, मेरे ख्याल में उन्हें यहाँ से मेरठ या दिल्ली की तरफ निकल जाना चाहिए और वहाँ से बजरिया हवाई जहाज लुधियाना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अहमद अली ने कहा, लेकिन मेरठ या दिल्ली जाने के लिए भी उनका रेलवे स्टेशन पर जाना जरूरी है और वहाँ पुलिस मौजूद है। शाहजी कहने लगे, इसका हल मैंने ये सोचा है कि मैं उस वक्त रात के अंधेरे में उन्हें अपने गाँव ले जाऊंगा, वहाँ ये रात रहेंगे, दूसरे दिन मैं उन्हें यक्के में बिठा कर अम्बाले से आगे दिल्ली की तरफ करतगढ़ के स्टेशन पर ले जाऊंगा, वहाँ दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी होती है, शकील भाई को मैं उसी में बिठा दूंगा, आगे उनकी मर्जी है चाहे मेरठ उतर जाएं या सीधा दिल्ली चले जाएं। मिर्जा साहब ने शेर खान की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, शकील मियां मेरे ख्याल में ये तजवीज बड़ी माकूल है और इन हालात में इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम मेरठ उतरने की बजाय सीधा दिल्ली की तरफ निकल जाओ, वो बड़ा शहर है, वहां से तुम्हें लुधियाने की फ्लाइट भी आसानी से मिल जाएगी, क्या ख्याल है? शेर खान किसी न किसी तरह वहां से निकलना चाहता था। कहने लगा, ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। अहमद अली ने कहा, पैसों की तुम फिक्र न करना। फिर उसने जेब से एक लिफाफा निकाल कर शेर खान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस हकीर सी रकम को कबूल कर लो, हम तुम्हारी बहुत खिदमत करना चाहते थे मगर तुमने हमें मौका ही नहीं दिया। शेर खान ने कहा, मेरे पास पैसे हैं, आप तकलीफ न करें। अहमद अली बोला, शकील भाई अगर तुमने इस छोटी सी रकम को कबूल न किया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, मुझे अपना बड़ा भाई समझकर ये लिफाफा अपने पास रख लो। शेर खान पैसे नहीं लेना चाहता था मगर इन लोगों ने जबरदस्ती उसके लंबे साधुओं वाले कुर्ते की जेब में लिफाफा डाल दिया। जो आदमी वहां आया था और जिसको सब लोग शाहजी कहकर बुलाते थे उसने कहा, मेरा ख्याल है अब शकील भाई को मेरे साथ निकल चलना चाहिए, ये वक्त फरार होने के लिए बड़ा मुनासिब है। अहमद अली शेर खान को गले लगकर मिला। रजब अली भी दूसरे मकान से आ गया, उसने भी शेर खान को गले लगा लिया और कहने लगा, भाईजान आपका शुक्रिया अदा करने के वास्ते हमारे पास अल्फाज नहीं। शेर खान ने कहा, ऐसी बात नहीं, मैंने जो कुछ किया एक मुसलमान होने के नाते किया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शेर खान ने सबसे हाथ मिलाया, खुदा हाफिज कहा और शाहजी के साथ साधुओं वाले हुलिये में त्रिशूल हाथ में पकड़े मिर्जा साहब के मकान से बाहर निकल आया। बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ था। शाहजी शेर खान के कपड़ों की छोटी सी गठरी बगल में दबाए आगे आगे चल रहे थे, शेर खान उसके पीछे चल रहा था। अम्बाले की उस मजाफाती कॉलोनी से निकलने के बाद अंधेरे में वो एक तरफ खेतों के साथ साथ चलने लगे। खेत काफी दूर तक चले गए थे, खेतों के आगे मैदान सा शुरू हो गया। एक कुत्ता भौंकता हुआ एक तरफ को भाग गया। शेर खान ने शाहजी से पूछा, आपका गांव यहां से कितनी दूर होगा?
बादशाह जी ने कहा, 6-7 कोस के फासले पर है, आप थक तो नहीं जाएंगे। उस आदमी को क्या मालूम था कि शेर खान किस मिट्टी का बना हुआ है, वो तो उसे प्लास्टिक का कारोबार करने वाला एक आम दुकानदार ही समझ रहे थे। शेर खान ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा, मुझे पैदल चलने की बड़ी आदत है। शाहजी शेर खान को रात के अंधेरे में वीरान इलाकों में ले जा रहे थे। रात ढलना शुरू हो गई थी जब वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में किसी जगह रोशनी नहीं हो रही थी। गांव के बाहर एक तरफ छोटी सी कोठरी बनी हुई थी। कोठरी के बाहर दरख्त के नीचे एक घोड़ा बंधा हुआ था। पास ही एक यक्का अपने बमों के दोनों बांस ऊपर को उठाए खड़ा था। शाहजी शेर खान को उस कोठरी के पास ले आए और कहने लगे, हम दिल निकलने से पहले पहले इस यक्के में बैठकर यहां से चल देंगे। आप 1-1.5 घंटा सो जाएं तो आप ताजा दम हो जाएंगे, मैं आपको आकर जगा दूंगा। शाहजी शेर खान को कोठरी के बाहर छोड़कर चले गए। कोठरी का आधा दरवाजा खुला था। शेर खान कोठरी के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था। शेर खान ने अंधेरे में टटोल कर देखा, एक चारपाई बिछी हुई थी, वो उस पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली और दिल में खुदा के हुजूर दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह पाक मुझे खैर खैरियत से कश्मीर पहुंचा दे ताकि मैं अपने कश्मीरी मुजाहिदीन भाइयों के साथ शाना बशाना भारतीय फौज के खिलाफ जिहाद कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।